नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ आर इंडियन इकोनॉमी वेयर वी आर डिस्कसिंग वेरियस बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ इकोनॉमी। आई होप आपने इसके प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे, इफ नॉट प्लीज विजिट टू द डिस्क्रिप्शन वेयर वी हैव प्रोवाइडेड द लिंक वेयर यू कैन वॉच अदर वीडियोस ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वी हैव अपलोडेड। उसके बाद आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि हमने अभी रिसेंट में डिस्कस किया था अबाउट द स्लो डाउन रिसेशन एंड डिप्रेशन, तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे समझ में आएगी अबाउट द वर्ड विच वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस लेक्चर, दैट इज स्टैगफ्लेशन। दोस्तों, स्टैगफ्लेशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस लेक्चर में समझना क्या चाह रहे हैं। बेसिकली वी आर गोना टॉक अबाउट एन एक्सेप्शन ऑफ इन द सिचुएशन व्हेन इट लीड्स टू द इन्फ्लेशन। हम देखेंगे कि उस सिचुएशन में क्या होता है, मगर वहीं जब स्टैगफ्लेशन की हम बात करते हैं तो ये उसका पूरा उल्टा अपोजिट हो जाता है। हम यहाँ पे फिलिप्स कर्व की भी बात करेंगे और इसका रेफरेंस लेके देखेंगे कि स्टैगफ्लेशन कैसे अलग काम कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ इन्फ्लेशन पे बात करते हैं। एज वी नो द टेक्निकल डेफिनेशन, दैट इज जनरल प्राइस राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन की जो कंडीशन आती है ये जनरली कैसे आती है, लुक ये सिर्फ डिमांड और सप्लाई का गेम है। जब मनी सप्लाई मार्केट में मनी जो है वो ज्यादा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स विच लीड्स टू द इन्फ्लेशन। ये बेसिकली कैसी कंडीशन होती है, देखिए ये बात चलती है आपकी ग्रोथ रेट पे और इन्फ्लेशन पे। जब हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारा ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज्यादा है, मतलब कि हमारी वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम डिक्रीज हो रही है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ रेट एट द रेट ऑन एट विच वी आर ग्रोइंग, तो दिस इज अ सुटेबल कंडीशन फॉर अस। हम कभी भी ऐसी कंडीशन को लेके नहीं चलते, और ऐसी कंडीशन एक एक्सेप्शन भी होती है। देखिए क्या होता है, ग्रोथ रेट बढ़ी मतलब हमारी जीडीपी बढ़ी, मतलब हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ा, मतलब कि कंपनीज नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगी, मतलब कि कंट्रीज नए नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, मतलब कि नए नए लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने के कारण उनकी वेजेस हाइक भी होंगी, और नए नए लोगों को नौकरी मिल रही तो उनकी वेजेस भी बहुत सारे लोगों को और ज्यादा मिलेगी। मतलब कि ये चीज इन द एंड डिमांड को ड्राइव करेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, इन द एंड लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा, इन द एंड फैक्ट्रीज और सेटअप होंगी, और ये एक साइकिल चलती जाएगी जिसमें आपकी ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है, जिसमें आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ये एक टाइम तक बहुत अच्छी सिचुएशन रहती है, और इसीलिए हम एक मिनिमल जो हमने टारगेट सेट किया हुआ है फ्रॉम 2-6% हम इसमें इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी ऑप्टिमल कंडीशन पे रहता है और ग्रोथ रेट भी। तो ये दोस्तों हमने बात करी, ऐसा होता है जनरली कि जब सारी चीजें ऊपर बढ़ रही है तो हर चीज ऊपर बढ़ती जाती है, मगर जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि स्टैगफ्लेशन इज एन एक्सेप्शन। कैसे, यहां पे क्या होता है दोस्तों, जब इकोनॉमी में एक तरीके की कंडीशन आती है उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। बेसिकली स्टैगफ्लेशन इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज स्टैगनेशन। किसका स्टैगनेशन, आपकी जीडीपी ग्रोथ का स्टैगनेशन, मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो स्टैगनेट हो गए, बढ़ नहीं रहे। जैसा भी हमने देखा था, जब जीडीपी ग्रोथ होती है तो आपके गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे, मगर यहां पे एक स्टैगनेशन की कंडीशन आ गई है, आपकी ग्रोथ जो है वो स्टैगनेट हो गई है। मगर उसके बावजूद भी आपने देखा था कि इन्फ्लेशन जो है, अगर ये ग्रोथ बढ़ती है तभी इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है मार्केट में, मगर इसके बाद भी यहां पे मार्केट में पैसा खत्म नहीं हो रहा है, यहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि मतलब लोगों का कंजम्पशन बढ़ रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ग्रोथ रेट तो आपकी स्टैग्नेशन हो गई, मतलब जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं दे पाओगे आप लोगों को तो लोग एंड तक कंजम्पशन करेंगे कैसे। ये सिचुएशन इसीलिए एक एक्सेप्शन है दोस्तों। इसमें क्या होता है, स्टैग्नेशन आ जाता है, मतलब आपकी ग्रोथ स्टैग्नेट हो जाती है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ रहा है। यही तो हम बात कर रहे हैं कि जब नई फैक्ट्रीज सेटअप ही नहीं होंगी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ ही नहीं रहा है, तो जब सेटअप नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। अब जब ये बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन कम रहना चाहिए या ज्यादा रहना चाहिए, ये कम रहना चाहिए, मगर हो क्या रहा है, ये ज्यादा है। अब चलते हैं फिलिप्स कर्व पे इसको और अच्छे से समझने के लिए। फिलिप्स कर्व बेसिकली बोलता है दोस्तों, इनवर्स रिलेशनशिप की बात करता है। अब किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो दोस्तों ये कर्व क्या शो करता है,
कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस पे इन्फ्लेशन है, एक्स एक्सिस पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम हो रहा है वैसे वैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रही है। इनवर्स रिलेशन अभी पढ़ा हमने। अब दोस्तों यहां पे जब इन्फ्लेशन कम होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो ये चीज तो बिल्कुल सही चीज शो कर रहा है, यही हमने देखा ना अभी कि जैसे यहां पे होना चाहिए था, मगर ऐसा है नहीं क्योंकि यहां पे हाई इन्फ्लेशन है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये कैसी कंडीशन है। इसी कारण से ये एक एक्सेप्शन है। अब समझते हैं कि कंडीशन कैसे लाई जा सकती है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हो नहीं रही है, एम्प्लॉयमेंट है नहीं आपके पास, तो लोगों को आप ऐसा क्या करो कि उनकी परचेसिंग पावर जो है वो मेंटेन रहे या बढ़ जाए। तो बेसिकली क्या कर सकते हो दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो बाहर के लोगों से पैसा लेके या किसी भी तरीके से पैसा लेके बाहरी लोगों से वो अपने ही सिटीजन्स को पैसा दे दें, इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स, इन टर्म्स ऑफ सब्सिडीज। हम भी देते हैं ना, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दिया, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन जिसने करवाया, बैंक अकाउंट, जनधन आधार योजना जो है हमारी, उसके तहत हमने लोगों को पैसे बांट दिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। उसी के बाद में एमजी नरेगा जैसे है, हमने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लिया और उनको सैलरीज देने लग गए। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों कि आपका ग्रोथ जो है वो तो स्टैग्नेट है, मगर आपकी परचेसिंग पावर आपने मेंटेन बना रखी है, डिमांड मेंटेन कर रखी है। उस डिमांड के कारण क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन तो बढ़ा रहेगा, राइट। और इस तरीके से ये एक सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है अबाउट स्टैगफ्लेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा स्टैगफ्लेशन क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। और मैं आपको ये भी बता दूं, अब इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि अगर स्लोडाउन होता है तो दोस्तों क्या करती है गवर्नमेंट, नीचे डिमांड बढ़ाने के लिए उनको पैसा दे देती है और फर्दर एक साइकिल रोटेट हो जाती है, लोग परचेसिंग शुरू कर देते हैं, ऊपर से प्रोडक्शन चालू हो जाता है। मगर यहां पे प्रॉब्लम दूसरी है, यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि डिमांड ही नहीं है, राइट। और डिमांड है भी तो लिमिटेड है, इसलिए लोग प्रोडक्शन कर नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं रहे, तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा नहीं। और जब इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतना हाई है तो गवर्नमेंट नीचे वाले लोगों को डिमांड जनरेट करने के लिए पैसा देगी नहीं, तो यहां पे इन्फ्लेशन और ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द स्टैगफ्लेशन एंड द फिलिप्स कर्व। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी रेगुलरली अपलोड दिस काइंड ऑफ लेक्चर्स। इन द एंड कीप शाइनिंग एंड हैव अ गुड डे। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द कमेंट बॉक्स अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच यू वुड लाइक टू हियर फ्रॉम मी। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।